रदरफोर्ड ने मार मार के इनका कचूमर बना दिया। तीन पे तीन चाहिए मेरे ख्याल। शॉट साउनिक्रम। जैसे जैसे पाकिस्तान सुपर लीग आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे मैचेस की सनसनी में भी इजाफा होता जा रहा है, और इसमें ना सिर्फ पाकिस्तानियों बल्कि दुनिया भर के क्रिकेट लवर्स की दिलचस्पी में भी इजाफा होता जा रहा है। इस वक्त कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स, जो कि बड़े बड़े स्टार्स पर मुश्तमिल है, वो बॉटम टू पर मौजूद है, और गुज़श्ता रात होने वाले सनसनी खेज मुकाबले में क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने आखिरी ओवर में कराची किंग्स को एक जीता हुआ मैच उनके पंजे से निकाला, और रदरफोर्ड के दो जबरदस्त छक्के जो कि आखिरी ओवर में अनवर अली को लगे, उसने मैच का पांसा पलटा। हालांकि 89 पर कराची किंग्स क्वेटा ग्लैडिएटर्स के पांच खिलाड़ियों को आउट कर चुकी थी और उन्हें 166 का टारगेट अचीव करना था, लेकिन वो कहते हैं ना कि किस्मत जब रूठती है तो आप जीतते हुए भी हार जाते हो, तो बिल्कुल इसी तरह हुआ, और यही वो कामयाबी है पाकिस्तान सुपर लीग की, जिसकी वजह से दुनिया भर में तारीफी पैगाम मौसूल हो रहे हैं पाकिस्तानी क्रिकेट शायकीन को कि आपकी ये लीग इतनी आगे बढ़ चुकी है कि अब दुनिया भर का मीडिया इसे लाइव कवर करता है। भारतीय जो इसकी सबसे ज्यादा मुखालफत करते थे, इसे अब सबसे ज्यादा पसंद भी करते हैं और इस पर लाइव मैच देखकर तबसर भी करते हैं, और आइए आपको वही सब कुछ दिखाते हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग खासकर रात के मुकाबले के बारे में भारतीयों का क्या कुछ कहना है। मैंने इतना बैक किया इस टीम को, अब भाई चार बॉलों में तीन रन चाहिए, रदरफोर्ड ने मार मार के इनका कचूमर बना दिया। गुड डॉट बॉल। तो ये अनवर अली और हसन अली, ये दोनों अली बोल रहे हैं या अली मदद, ऊपर से आवाज आई मदद तो करूंगा लेकिन उनकी, रदरफोर्ड की। वो भाई इतना मारा उसने, इतना मारा इनको, लास्ट ओवर में 15 रन चाहिए थे, इसने पहली दो बॉलों में दो छक्के खा लिए, उससे पहले वाले ओवर में छक्के खा रहा है, छक्के खा जा रहा है भाई। ये किस तरीके की लांती बोलिंग हुई है आज एंड में। मैच तो ये जीत चुके थे ये कराची वाले, कराची से अंदरूनी मुल्क बेइज्जती कराने के लिए, उसके बाद ये रदरफोर्ड ने मार मार के इनका एक्सपेरिमेंट बना के रख दिया, भरता कचुम्बर मलिदा जो बोलो बना दिया। तीन पे तीन चाहिए मेरे ख्याल। दो बॉलों में तीन रन चाहिए, अगर ये डॉट बॉल पड़ जाती है लास्ट बॉल में, तीन रन पर कुछ भी हो सकता है, आपका मुंबई में भी हो सकता है अपना। यार दो बॉलों पे दो छक्के आए थे वहां पे, लग रहा था कि जमपुरा कैसे देवगन कुछ भी हो सकता है, आप देखिएगा भाई, लेकिन दो डॉट बॉल बड़ी पते की मारी है, दोनों डॉट बॉल तो ठीक है। इम्पोर्टेंट डिलीवरी है यहाँ पे, अगर तो ये डॉट आ गया, डॉट आ गया तो फंस गया, वरना अगर इस बॉल में खत्म भी हो सकता है, वो तो है, अब एक बाउंड्री दूर है वो जीत। 101% शॉट खत्म। रन कहा से बनते थे, विकेट कीपर के पीछे से वहां भी थ्रो किया, दूसरे एंड पे कैच ड्रॉप किया, थ्रो मार लेता यार। What the hell was that? भाई अगर ये आउट नहीं है ना, डूब के मरना चाहिए इनको। देखिए बॉल तो फेंक दे, वो देख रहा है, पहुंच गया, पहुंच गया, ओ गॉड, वाह रे वाह, वो देख रहा है इसको, अबे उसको थ्रो नहीं किया गया ऑलरेडी, वो यार वो तो पहुंच गया है, बैट उसका अंदर है, लेकिन वो भाई वो फील्डर के हाथ में बॉल मारी और वो दो के लिए भाग गया, और इतना बड़ा बेवकूफ है कि मतलब वो क्लियर रन आउट था, वो उसको ये किया क्या वैसे उन्होंने, मेरे तो ये समझ नहीं आ रही भाई, उसने बॉल पिक करी वहां पे थर्ड मैन वाले ने, उसने नॉन स्ट्राइकर एंड पे थ्रो की, बार-बार के बाहर पहुंच गया भाई, वो भाग रहा था अकील हुसैन, जब उसने दूसरा रन ले लिया तो बॉलर ने हाथ में बॉल पकड़ के खुद उससे रेस कर रहा है, मार दूंगा, अबे पहले फेंकनी चाहिए थी ना, बाबरे देना चाहिए था, पास में था तो चलिए पहले फेंकनी चाहिए थी ना भाई, पहले फेंकनी चाहिए थी भाई, चलो स्कोर्स लेवल हो गए, एक बॉल पे एक रन चाहिए, कहां से डॉट कहां से आएगा, बहुत मुश्किल, तो कुछ भी हो सकता है ना, सुपर ओवर भी तो हो सकता है, सुपर ओवर हो सकता है, एक बॉल पे एक रन चाहिए, 15 रन चाहिए थे ओवर में, बीच में दो डॉट बॉल आई, उसके बाद एक रन था, इन मनहूस लांतियों ने दो रन दे दिया, बताइए इससे बड़ी बेवकूफी मैंने जिंदगी में नहीं देखी, इससे बड़ी बेशर्मी की जिंदगी में नहीं देखी भाई, अगर वो इसके बाद भी उधर मार देता ना, हाँ, साइकिल वैसे आउट हो जाता, ठीक है लास्ट बॉल पे रदरफोर्ड स्ट्राइक करता, लेकिन होता है एक बॉल पे दो रन चाहिए, एक रन बच जाता आपका, इतनी महा बेवकूफी जिंदगी, और वैसे भी दूसरा रन था ही नहीं यार, वो रन आउट होना ही चाहिए था, अनवर अली पता नहीं कौन से बाग में घूम रहे हैं,
इनसे इनको रोहित शर्मा से मिलना चाहिए कि गार्डन में कोई भी घूमेगा तो वो उनको बताएगा क्या करता है। किस बात का डिसीजन पेंडिंग है ये? नॉट आउट है ये। नॉट आउट जब आप देख किस बात का डिसीजन? अबे क्या देख क्या रहा है? शॉर्ट रन देख रहा है, देख क्या रहा है कि क्या रहा क्या है इन्होंने? ये पिच के बीच में क्यों भाग रहा है ये? बॉल तो अंदर है। ये हुआ क्या है? देख क्या रहा है वैसे? इसमें क्या देखना है इनको? मुझे तो समझ नहीं आ रही। दो रन है, क्या कह रहा है कि वो बीच में भागा है? क्या कह रहा है? क्या बीच में भाग रहा है? ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। जीता हुआ मैच सुपर ओवर हो जाए। सुपर ओवर सुपर ओवर सुपर ओवर सुपर ओवर हुआ तो मजा आ जाएगा। लेकिन करा दे सुपर ओवर यार, जीतना डिजर्व कोटा थैया का थैया यार। मेरे हिसाब से डिजर्व कोटा ही करता है। लांची ओवर में 7 रन बनाना 89.5 के बाद यहां तक पहुंच जाना डिजर्व कोटा ही करता है। गंगा जल्दी चल रही, सुने आप मेरी बात? यहां पे देखिए लास्ट वो भी डिजर्व करते हैं। उसने वो हारना डिजर्व करते हैं, वो लांती है। उसने दो डॉट बॉल डाली। आप कह रहे गंगा जल, आपने याद दिलाई। ये गंगा जल का वो है बेवकूफी खुद कर गया कि वो ढीला पड़ गया, उसको रन आउट कर देना चाहिए था। उसने उम्मीद नहीं करती कि भाग जाए। दूसरा बंदा जो है ना, दूसरा कैच ही थी। कोई नहीं, हो सकता है। मैं कह रहा हूँ डॉट बॉल भी हो सकती है, रन आउट कर लेना। डॉट बॉल भी हो सकती है, कैच भी हो सकता है। कुछ जब गेम इतनी डीप चली जाती है ना, तब कुछ भी हो सकता है। लास्ट बॉल में पहुंच गई, एक रन चाहिए। कमॉन कराची, मैं तो साथ में भाई। अनवर अली, या अली मदद, या अली मदद, अली छक्के से मैच खत्म। कोई मदद नहीं हो रहा, मुझे लग रहा है ये गोलमाल नहीं चल रही है। अजय रुके, आप आउट करें, अली आउट करें। प्रेशर में लग रहा है, हालांकि सारे फील्डर्स लगा लिए। ऐसा तो नहीं, ऐसे कुछ था, ऐसे नहीं था। लेकिन ये आपने खुद बनाया, तो मेरा स्टेप है। कहाँ करते हैं आप ये? कहीं नहीं करता हूँ ये। इतना घटिया 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 से बना। अरे शुरू करे, भी शुरू करे। लास्ट बॉल डॉट बॉल करे, भी डॉट बॉल करे तो मजा आएगा। एक बॉल में एक रन चाहिए, डॉट बॉल करे। कमॉन अनवर, अनवर बेटा, अनवर कमॉन, अनवर खत्म है। कहाँ से जीत रही है? ये कराची किंग्स की जगह खस्सी किंग्स रख लो भाई अपना नाम। हाथ की बॉल दो छक्के खाने के बावजूद तुमने पकड़ ली थी। और सर विव रिचर्ड्स है भाई, उनके कोच बताओ यार, कोटा के कमाल है यार। विव रिचर्ड्स जिनका कोच हो, वो तो वैसे ही डिजर्व नहीं कर, उनके तो वैसे ही ऊपर की शक्ति आ गई, रूहानी ताकतें आ गई उनके साथ। लेकिन कोटा एक और मैच जीतते हुए और नंबर वन पोजीशन अपनी बरकरार रखते हुए, कराची के पास एक सुनहरा मौका था। कराची, अरे कराची क्या कर दिया? कराची रुखसाना फरजाना मरजाना क्या किया? आ जाए तो सारी बहनों को लेके आ जाए, है ना, कि वो बेटर खेल लेंगी खवातीन आपसे। तो कराची वालों के पास पूरा पूरा मौका था जी, और आज भी जरदा चबाते रह गए और देख देखते रह गए कि आगे वाले लेके निकल गए। उक्का फुकते रह गए यार, घटिया बातें कर रहे हैं। जरदा क्या होता है? जरदा तो फिर भी ठीक है, उक्का कहां से आ गया? तो चबाते रह गए और रदरफोर्ड ने मार मार के भरता बना दिया। रदरफोर्ड के पैरों में गिर गिर के माफिया मांगे हम आप। और कराची वालों ने दिखा दिया कि हम नहीं जीत सकते। कराची ने दिखा दिया कि हम भी लाहौर की कैटेगरी में आते हैं। दोनों लांती टीमें हैं, हम आगे नहीं बढ़ना चाहते। हम दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा।